कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त दो सीटों से सांसद हैं। जल्द ही उन्हें दोनों में से एक सीट छोड़नी होगी। राहुल को ये फैसला 48 घंटे में लेना होगा। दरअसल अगर एक प्रत्याशी दो सीटों पर चुनाव लड़ा है तो उसे 14 दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी होगी। चर्चाएं हैं कि राहुल जल्द वायनाड की सीट छोड़ेंगे और इस सीट से प्रियंका गांधी को लॉन्च किया जाएगा। वायनाड अब गांधी परिवार के लिए काफी अहम सीट है, क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे उस वक्त वायनाड की जनता ने उन्हें चुनकर संसद भेजा था। अब अगर गांधी परिवार इस सीट को छोड़ देता है तो ये संदेश गलत जाएगा। इसलिए वायनाड से रिश्ता कायम रखने के लिए प्रियंका गांधी को इस सीट से उतारने की चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बेटा सौंपने जैसे बयान रायबरेली में दिए थे। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली राहुल गांधी अपने पास रखेंगे। सोनिया गांधी ने सीट को परिवार की 121 साल पुरानी परंपरा बताया था। चुनाव में दोनों ही जगह पर राहुल गांधी की जीत हुई। वायनाड की तुलना में राहुल गांधी रायबरेली में बड़े अंतर से जीते। रायबरेली में राहुल गांधी 3,90,030 वोट से, तो वायनाड में 3,64,422 वोटों से राहुल जीते थे। राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि पिछले चुनाव में इस सीट से सटी अमेठी सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रह सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी अगले 48 घंटे के अंदर किसी भी वक्त वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वायनाड सीट को लेकर फैसला भले बाद में हो, लेकिन प्रियंका गांधी फ्रंट रनर हैं। एंड मेनी पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग वायनाड और रायबरेली। एवरीबॉडी नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एक्सेप्ट मायसेल्फ। यू नो इन पॉलिटिक्स एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग एक्सेप्ट द पर्सन हु इज डूइंग इट। सो डोंट वरी, बोथ रायबरेली एंड वायनाड विल बी वेरी हैप्पी विद माय डिसीजन। इस चुनाव से पहले तक रायबरेली सीट से सोनिया गांधी सांसद थी। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी ने लगातार ये सीट जीती और संसद पहुंचती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गईं। ऐसे में चुनाव में पार्टी ने यहां से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का फैसला किया और उन्हें कामयाबी भी मिली। उधर वायनाड की सीट 2019 से ही राहुल गांधी के पास है। इस बार भी चुनाव में वायनाड की जनता ने राहुल गांधी का भरपूर साथ दिया। जीत हासिल करने के बाद राहुल ने हाल ही में वायनाड का दौरा भी किया था और जीत के लिए जनता का आभार जताया।